चलिए दिलीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, न्याय द जस्टिस, और अमन वर्मा जी का क्या किरदार है इसमें, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दिलीप जी, सर पहली बात तो आपने फिल्म के बारे में पूछा, तो मैं फिल्म के बारे में ये कहूँगा कि दिस इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाट हैज हैपेंड टू द ग्रेट एक्टर सुशांत सिंह। और सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जस्टिस होना चाहिए हमारी कंट्री में, सबको जस्टिस मिलता है, जिसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और नंबर तीन, अमन साहब हमारे यहाँ पे एक ईडी डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो रोल कर रहे हैं, और वो रोल मेरी नज़र में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑफिसर है जिसको पता चला था आई क्लाउड से उसने मैसेजेस निकाले थे, और उसे पता चला था कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, एंड ही वॉज द कैरेक्टर वो गिव दिस मैटर टू नार्कोटिक्स एनसीबी। सो वो रोल ये कर रहे हैं, आपके प्रश्न थे मेरे लिए। जिस प्रकार से सुशांत सिंह के फादर के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा था अगर सुशांत सिंह पे कोई फिल्म बनती है तो पहले उनके फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्या उनसे आपकी कोई बात हुई? बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। अपना अगर उनकी बायोग्राफी बनाते हैं आप, किसी की भी बायोग्राफी बनाते तो आपको लेना पड़ेगा, बट वी आर नॉट मेकिंग अ बायोग्राफी, हम एक अपना इंस्पायर्ड इंसिडेंट से, और हम अपने तरीके से उसको देख रहे हैं, और हम वो सब नहीं दिखा रहे हैं जो चैनल्स वाले दिखा रहे हैं। अब एक्चुअली तो उनको चैनल्स वालों के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चैनल्स वाले ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो नहीं हुआ है, तो उनको तो चैनल्स के पहले स्टॉप करना चाहिए। हम तो सिनेमा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो हमारा तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट वैल्यू एंड अपना ऑथेंटिक करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हमारा टाइटल है न्याय द जस्टिस, तो हम वो जस्टिस को पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं। तो पावना लेक पे भी फिल्म जाएगी, दिलीप जी अगर बात करें फिल्म की, तो वहाँ जाएंगे शूट करेंगे, और क्या क्या दृश्य हुए थे वो भी क्या इस फिल्म में देखने मिलेंगे लोगों को? पावना डैम पे जो हुआ है सुशांत के साथ, सर देखिए क्या है, मैं पर्टिकुलरली उस कैरेक्टर की सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं वो इंसिडेंट्स में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं उन हालात में जा रहा हूँ कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ होगा, वो शायद चैनल वालों ने भी नहीं दिखाया और पब्लिक को भी नहीं मालूम है, तो मैं एक अपना काल्पनिक सोच के सीन बना रहा हूँ कि ऐसा इस वजह से हो सकता है, वो कोई चैनल में नहीं आया, हुआ है कि नहीं हुआ है आई डोंट नो, मैं एज अ सिनेमा राइटर डायरेक्टर में उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑडियंस ने चैनल में भी नहीं देखा। तो दिलीप जी, जस्टिस आने वाला है या 20 तारीख को, शायद 21 तारीख को सीबीआई और ईडी उसका कुछ खुलासा करेगी, तो फिर क्या ये कहानी बदल जाएगी कि वही रहेगी? क्या है अभी वो जो मेन आने वाला है एम्स की रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि आइदर इट वाज अ मर्डर और अ सुसाइड, करेक्ट है? अब दोनों ही पहलुओं में जस्टिस तो मिलना ही चाहिए ना, अगर सुसाइड है तो भी जस्टिस मिलना चाहिए, मर्डर है तो भी जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरी फिल्म का ताल्लुक है मैं जस्टिस नहीं दे सकता, मैं कौन होता हूँ, ये कोर्ट गवर्नमेंट ने बना के रखी है, जुडिशरी है, वो लोग हैं ना जस्टिस, मैं थोड़ी केस चला रहा हूँ, कोर्ट चला रहा हूँ अलग, कि मैं अपनी फिल्म पर जजमेंट दे दूँ, तो मेरा जजमेंट जो है मैंने इसमें छोड़ दिया, एंड आई लीव इट टू पब्लिक, माई लास्ट शॉट विल बी अ क्वेश्चन मार्क, लेट द जुडिशरी डिसाइड वॉट जजमेंट दे हैव टू गिव, आई एम नोबडी टू गिव जजमेंट इन द रियल मैटर। अमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म जिस पे बनाई जा रही है सुशांत सिंह केस, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर सीरियस है, पूरा देश जिस प्रकार से इस पे बात कर रहे हैं, इस पे कंटिन्यू सीबीआई जांच, एनसीबी जांच हो रही है, और इस फिल्म में आप भी किरदार निभा रहे हैं, तो ये किरदार आपका क्या होगा जो आप निभा रहे हैं? जैसे सर ने यहाँ बोला है कि एक ईडी ऑफिसर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जाहिर सी बात है कि फिल्म का नाम न्याय है, एज एन ऑफिसर सच्चाई में क्या हुआ था या क्या फाइनली बाहर निकल के आता है, तो एज एन ऑफिसर मेरा काम है उसका पता करना कि सच्चाई क्या है, एंड उसी चीज़ को मैं अपने ढंग से पोर्ट्रे करूँगा, और जैसा कि दिलीप जी ने कहा है कि दिस इज़ इंस्पायर्ड, तो आप लोग जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर है
आपके सवाल उस कनेक्शन के साथ हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। ये दिलीप जी की इंस्पिरेशन है और इंस्पिरेशन के हिसाब से इन्हें जो लगता है क्या कहानी बननी चाहिए, मोमेंट्स एंड सिचुएशंस आई जाएंगे और कहानी उस पर इनकी अपनी बनाई जाएगी। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि इट इज़ अ पिकअप स्टोरी एंड कहानी आपके हिसाब से आगे आप क्या समझते हैं होना चाहिए। सर फिल्म में गाई थी सलीम जावेद राइटर ने, फिल्म का नाम था दीवार। उसमें उन्होंने हाजी मस्तान का एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अमिताभ बच्चन साहब को वो रोल दिया और वो रोल उन्होंने अच्छा निभाया, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। बट इट वॉज नॉट बायोग्राफी ऑफ हाजी मस्तान, इट वॉज इंस्पिरेशन ऑफ हाजी मस्तान बट इट वॉज नॉट बायोग्राफी ऑफ हाजी, एक कमर्शियल सिनेमा था। लेकिन ये यहाँ पर किसी का बच्चा है जिसे फांसी लगा दी है, जिसे सुसाइड में मर्डर भी कहा जा रहा है, उसे आप एक एंटरटेनमेंट का रूप अगर आप बोल रहे हैं तो इतना सही है। देखिए सर ये देखिए क्या है, देखिए इस तरह से बहुत सारे किस्से हुए हैं। कितने हमारे ग्रेट सोल्जर जो हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो क्या उनकी फिल्में नहीं बनी? भी फिल्में बनी है ना, कि वो किसी के बच्चे नहीं थे क्या? वो भी किसी के बच्चे थे। और अगर सिनेमा में आप दिखा के उसमें आप जस्टिस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन है क्यों पैदा हुई, हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन कब पैदा होती है और क्यों होती है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की है और उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं। हम फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं कि इधर ऐसा हो गया था, 14 तारीख को ये हुआ था, 18 तारीख को हुआ था, फिर 21 तारीख को ये हुआ, लास्ट 18 दिन की कहानी नहीं, वी आर नॉट डूइंग दैट। वाई वो 14 तारीख को ऐसा क्यों हुआ होगा वो हम अपने दिमाग से दिखाने की कोशिश।